हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है IGU के क्वेश्चन पेपर 2019 मई का क्वेश्चन पेपर। देखिए आप लोग यहाँ पे देखो, इसकी जो यूनिट फर्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काइनेटिक थ्योरीज एंड रिलेटिविटी बुक है हमारी पेपर फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट देखिए आप इसके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहेगा, डिफाइन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो, राइट टू रिलेशन दैट कनेक्ट दीज इलास्टिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2019 में आया हुआ है, तो 2021 अब जो पेपर होंगे आपके उसमें भी आने के इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो जो ये बच्चों जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये कि यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो और इनके बीच में रिलेशन जो है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको इससे जो रिलेटेड वीडियो है और जो इनके बीच में जो रिलेशन है इसका क्वेश्चन भी मैंने अब करवा रखा है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से ये क्वेश्चन कर लेना। इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत क्योंकि क्वेश्चंस है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, डिड्यूस एंड एक्सप्रेशन फॉर द कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, लेकिन ये कम्प्लीट नहीं है, ये हाफ है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आंसर के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करवा रखा है, ट्विस्टिंग कपल के नाम से आपको टॉपिक मिलेगा, आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ तक ये टॉपिक करवा रखा है, आगे का आप टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये मेरी चैनल पे इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, फाइंड एक्स एंड एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन एट अ पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर। ये क्वेश्चन भी आपको मेरी जो चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए आप लोग, अब यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाती है। यूनिट नंबर सेकंड में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बतानी है, सेकंड में एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड। ये भी मैंने तीनों जो वीडियोस है मैंने बना रखी है प्रॉपर वे में, बिल्कुल सारे नोट्स के साथ मिलेगी आप, तो आप वहां से ये भी देख सकते हैं। और देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ब्राउनियन मोशन के बारे में बताना है, मीन फ्री पाथ के बारे में बताना है, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी बताना है। तो ब्राउनियन मोशन तो आपको पता ही होगा, जिगजग मोशन होता है, और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड टॉपिक है इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोज बना के प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको बच्चों अब के सेशन में क्या, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप कहीं से भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही यूनिट करवाई है अभी तक, और 2 यूनिट के 1 या 2 टॉपिक रहते हैं, वो भी जल्द ही कम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको थर्ड यूनिट के पेपर देखने, तो थर्ड यूनिट के देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट इज लेंथ, कॉन्ट्रेक्शन एंड टाइम डायलेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर टाइम इंटरवल। देखिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेस्ट मास, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और अगर आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप मेरी माने, तो आप सिर्फ 2 ही यूनिट कीजिए अच्छे से, जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, ये आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अगर आपको थर्ड यूनिट भी करनी है तो। फिलहाल मैंने 2 ही यूनिट करवाई है बच्चों को, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके। ठीक है, तो बच्चों आपको जो ये फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है इसके जो आंसर्स की जो एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।